हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का आज एग्जाम था, आई होप कि आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। तो अब हम इन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा डीप में डिस्कस करते थे ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आपका 26 क्वेश्चन, क्या था 26 क्वेश्चन समझते बच्चों, 26 आपका क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर ये मैंने आपका क्या बना दिया बच्चों, ये मैंने आपका बेंजीन बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपका बेंजीन बना दिया और यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बेंजीन बनाया और यहां पर इस तरीके से था आपका क्वेश्चन। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने अगर बच्चों NH2OH, ठीक है, सेकंड आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, H+ और D+ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद से मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है बच्चों, तो आप लोगों का आई होप कि आप लोगों ने सीधा आंसर लगाया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको डील करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड होगा, यहां पर ये इसके साथ रिएक्ट करके बच्चों इस तरीके से कोई कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन। यहां पर कौन सा कंपाउंड बनाएगा बच्चों, कीटो ऑक्सीजन। जब यहां पर अगर आपका कीटो ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगा तो इसके बाद एसिडिक मीडिया में क्या होगा बच्चों, बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट होने से क्या होता है बच्चों, बैकमैन रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा बैकमैन रीअरेंजमेंट में, मैंने आपको बताया था कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपका क्या होगा कि आपका ग्रुप आपका कन्वर्ट होगा, मतलब दो माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, यहां पर इसका भी माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से भी होगा, और अगर मैं माइनर प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर मैंने यहां से माइग्रेट कराया तो यहां पर भी आपका होगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से N, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा NH, और एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, एक प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चों कुछ ऐसा, मैंने आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट अच्छे से बताया था। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दूं, इसकी भी रिएक्शन मैंने अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दिया, तो अमाइड ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है RCONH2 का जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से समझना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं अमाइड ग्रुप का, तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप हमेशा आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइन में। ध्यान से समझना बच्चों इसको, नाइट्रोजन वाले ग्रुप हमेशा किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों, अमाइन में। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर पूरा CH2 हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट होगा, RCH2NH2 में। ठीक है, RCH2NH2 में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन वाले ग्रुप हमेशा आपके अमाइन में कन्वर्ट होते हैं, मैंने आपको लिखाया भी था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। तो एक तो आपका ये वाला ग्रुप भी हो सकता है, ये वाला ग्रुप भी आपका अमाइन में कन्वर्ट होता है RNH2 में, ये भी देख लो। ठीक है, एक अगर मैंने RCN वाला भी ग्रुप लगाया तो वो भी आपका RCH2NH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक मैंने एक और ग्रुप लगा दिया यहां पर RNC, ठीक है, RNC ग्रुप मैंने लगा दिया, वो भी आपका किसमें कन्वर्ट होगा, वो आपका सेकेंड डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बस इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है। काफी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या था, एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो काफी इजी जाएगा आपको चैप्टर ये। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, ये या तो मैंने डायरेक्टली आपको नोटबुक में करवाया है, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपके नोटबुक में है, और काफी अच्छा पेपर था बच्चों ये। देखो OH यहां पर MnO2 के साथ MnO2CH2Cl2 मैंने ऐसा लिखवाया था, ये आपका क्या करता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है CHO ग्रुप में। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका OH, यहां पर CHO, तो इसका कौन सा ऑप्शन, सॉरी बेटा यहां पर 2 डिग्री है ना,
तो 2 डिग्री तो आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री आपका कीटोन में, और अगर आपका 1 डिग्री है तो 1 डिग्री आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। तो मैंने ऐसा कुछ लिखाया था बच्चों, आपको ध्यान से समझना, 2 डिग्री होगा तो कीटोन में और 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड में। अब हम देखते हैं बच्चों 28 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन बच्चों मैंने काफी प्रैक्टिस करा दिया था इससे पहले मैंने इसका, तो आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। देख लेते हैं, अब इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, NaOH के साथ, यहां पर हीट भी है। अब देखो NaOH के साथ हीट भी है, तो ये आपका क्या है, बेसिक, ये आपका बेसिक है, बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। अब देखो मुझको या तो मिनिमम 5 या मैक्सिमम 6, 5 और 6 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करनी है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर ये इनके साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका 5 मेंबर का रिंग बनाएगा, अगर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो 5 मेंबर का रिंग बनाएगा, यहां से निकालेगा तो नहीं बना पाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहां से मैंने एसिडिक हाइड्रोजन को, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ट्रैप कर लिया इसने, तो यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, CH3CO CH2 CH2 CO, यहां पर CH2 माइनस, दिस इज व्हाट, इनोलेट आयन, मैं इसमें इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको किस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, मैं इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इनोलेट आयन बनाता है लेकिन इनोलेट आयन में बिना कन्वर्ट किए। मैंने आपको बताया था इनोलेट आयन आपका किस तरीके से रिएक्शन करता है, वो तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं वो इनोलेट आयन के थ्रू ना करके मैं सीधा इसके थ्रू करता हूं। देखो यहां पर ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आपका 5 मेंबर की रिंग बनेगी, बना दिया मैंने 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, 5 पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा और यहां पर CH3। नाउ फर्दर अगर आपने इसको H2O के साथ रिएक्शन कराया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं, यहां पर OH, यहां पर CH3। नाउ अगर मैंने इसको टेम्परेचर देके हीट किया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसमें सेकेंड ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं बच्चों, 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या दिया है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन देगा बच्चों, जिसके अंदर ऐसा फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा ये देगा, एक तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये मैंने बता रखा है। नाउ आपका नेगेटिव टोलेंट टेस्ट आपका देना चाहिए, ठीक है, तो एक एक करके नेगेटिव आपका टोलेंट टेस्ट कौन कौन आपका देता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों आपका टोलेंट टेस्ट कौन कौन देगा, टोलेंट टेस्ट आपका एक तो एल्डिहाइड देता है, ठीक है, एल्काइल एल्डिहाइड या फिर आपका अराइल एल्डिहाइड की बात कर लो, वो आपका टोलेंट टेस्ट देगा, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देंगे। तो नेगेटिव वाले कौन से होंगे इसके अलावा, तो देख लेते हैं यहां पर, अब हमको देखना है कि कौन कौन सा आपका पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा और कौन कौन सा आपका नेगेटिव टोलेंट टेस्ट, H2O ड्रॉप H2SO4 टोलेंट टेस्ट आपका पॉजिटिव देने लग जाएगा। देखो यहां पर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ऑप्शन नंबर बी भी देगा, ऑप्शन नंबर सी भी देगा और ऑप्शन नंबर फोर भी देगा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि यहां पर आपका कंपाउंड जो दिया है उसके अंदर H2O और H2SO4 का ड्रॉप डालने पर वो आपका पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देने लग जाता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैंने आपको नहीं बताया बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, हेमी एसिटल ऑल्सो गिव टोलेंट टेस्ट। अब हेमी एसिटल आपका होता क्या है इसको बता देता हूं बच्चों में, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर HC, हेमी एसिटल आपका ऐसा होता है ग्रुप, यहां पर OCH3, यहां पर आपका OH, ठीक है, या फिर आपका हेमी कीटल, वो भी आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा, यहां पर हेमी एसिटल लिख लो बच्चों, OH और ये आपका हेमी एसिटल आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा। अब देखो यहां पर एक कार्बन पे दो OH लगे हुए, एक कार्बन पे दो OCH3, मेरे देखो बच्चों
यहां पर थर्ड, थर्ड ऑप्शन को देखूंगा तो थर्ड ऑप्शन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से, जो आपका एसीटल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों कार्बन पे OCH3 लगा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटल। इसको क्या बोलेंगे, एसीटल। अब देखो एसीटल को अगर मैंने H प्लस के, ये आपका रिवर्सिबल फिनोमिना होता है, अगर H प्लस के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में ये आपका रिवर्सिबल फिनोमिना होता है, तो यहां पर ये आपका इसको बना लेता है OCH3 और OH। अब ये आपका टोलन टेस्ट दे सकता है, काफी इजी है। तो देखो यहां पर एक कार्बन पे दो OCH3 लगने चाहिए, देखो यहां पर फर्स्ट वाले पे नहीं है, सेकंड वाले पे है। अब सेकंड वाले पे है तो सेकंड वाले पे आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर सेकंड वाले पे आपका कीटोन ग्रुप बना लेगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के हिसाब से क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर सेकंड के हिसाब से क्या होगा देख लेते हैं। अगर मैंने बात किया ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 29 का सेकंड ऑप्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, ध्यान से समझना, COCH3 OCH3 और यहां पर CH3 है। अब देखो ये आपका H+ के प्रेजेंस में ये आपका हेमीकीटल बना लेगा, क्या बना लेगा बच्चों, हेमीकीटल। ये आपका OCH3 और यहां पर OH, ये आपका हेमीकीटल बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, दोनों तरफ आर आर भी जुड़े हुए, अगर एक तरफ R और एक तरफ H तो हेमी एसिटल, एक तरफ R एक तरफ H तो ये हो जाएगा एसिटल, एक तरफ R और एक तरफ H तो ये आपका हेमी एसिटल, अगर दोनों तरफ R अगर आपका जुड़ा होगा तो वो आपका होगा हेमीकीटल। ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर ये आपका क्या होगा, कीटल, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटल। अगर मैंने बात किया इसका तो ये भी आपका क्या होगा, हेमीकीटल। तो हेमीकीटल नहीं देंगे, केवल और केवल कौन देगा, हेमी एसिटल एल्डिहाइड, और ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बायो मॉलिक्यूल में अच्छे से बताऊंगा बच्चों, ठीक है, हेमी एसिटल हेमीकीटल एसिटल कीटल के बारे में मैं आपको बायो मॉलिक्यूल में अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखो, तो यहां पर यह आपका इस तरीके से होगा, यहां पर ये क्या बनाएगा, हेमीकीटल, तो हेमीकीटल वाला आपका टेस्ट नहीं देगा। अगर मैंने बात की यहां पर ऑप्शन नंबर सी की, तो ध्यान से समझना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, CH2CH OCH3। अब देखो इसका एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसका H+ के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो रिएक्शन कराने पर आपका क्या हो जाएगा, CH2 यहां पर OCH3 यहां पर OH और यहां पर H, इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। तो देखो हेमी एसिटल के साथ रिएक्शन हो गया, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। आप देखो यहां पर पॉजिटिव टेस्ट, एक और है बच्चों लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका क्यों नहीं हुआ, फोर्थ ऑप्शन आपका क्यों नहीं हुआ, तो समझ लेते, फोर्थ ऑप्शन में दो OCH3 है आपका, यहां पर भी आपका हेमीकीटल बनेगा, लेकिन आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर हेमीकीटल और हेमी एसिटल भी है, यहां पर भी आपका हेमी एसिटल बनेगा, लेकिन यहां पर दो CH2 ग्रुप आपके डिफरेंस में है, तो थोड़ा सा अभी इसको समझ लो कि हेमीकीटल हेमी एसिटल और आपका ये क्या बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन आपका टेस्ट देगा, और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात की है तो यहां पर आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका सब देंगे, क्योंकि उसमें ये वाला फ्रेगमेंट आपका प्रेजेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों काफी ईजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों जो आपका हेमी एसिटल है हेमीकीटल, वो मैं आपको आगे और फर्दर काफी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, काफी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, तो इस वजह से इसको मैं और भी डिस्कस करूंगा बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ यहां पर समझते कि क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, ये आपका ओजोन है, ओजोन के साथ रिएक्शन कराना है ZnH2O, ठीक है, ZnH2O, तो यहां पर टूटेगा बॉन्ड, यहां पर अगर ये वाला बॉन्ड अगर आपका टूटने वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, यहां पर आपका COOH, यहां पर आपका COOH, ये हो जाएगा बच्चों, काफी इजी है, COOH नहीं सॉरी, यहां पर आपका क्या बनेगा, COHH, ये बन जाएगा। नाउ अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो
क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड और इसके साथ केनी जा रहा हो, ये यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि केनी जा रहा हो में एक आपका CH2OH बनता है और एक आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। एक आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसका H+ के साथ जब मैंने रिएक्शन कराया तो यहां पर ये हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, CH2OH, और यहां पर ये इस तरीके से OH बना लेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपका क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट में जब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पर आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने हीट किया तो यहां से ये H, यहां से ये OH निकल जाएगा H+ के प्रेजेंस में। जैसे ही यहां से इस तरीके से निकलेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपका इस तरीके से रिएक्शन होगा और यहां पर आपका हीट करेंगे तो यहां पर आपका ये आपका CH2, अब देखो ये आपका बाहर निकलेगा तो ये आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहां पर O, यहां पर CO, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा है आपको पता पड़ गया होगा, इसका आंसर आएगा A, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर, इसको बोलेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10 और ऑक्सीजन, वेरी गुड, गिव 2,4-DNP टेस्ट। डीएनपी टेस्ट के लिए आपका क्या होना जरूरी है बच्चों, कार्बोनिल बॉन्ड का होना जरूरी है, काफी अच्छा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका कार्बोनिल बॉन्ड है, सेकंड ऑप्शन में भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड है, थर्ड ऑप्शन में भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड है और फोर्थ ऑप्शन में भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड है। रिड्यूस बाय टोलेन रिएजेंट के थ्रू ये आपका रिड्यूस होता है और अंडरगो केनी जारो रिएक्शन। अब केनी जारो रिएक्शन के अंडरगो जाने वाला कौन सा रिएक्शन है बच्चों, जिसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। अब हम केनी जारो की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं केनी जारो के हिसाब से जाऊंगा तो मेरा थर्ड ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है और बाकी सारे केनी जारो देंगे। और केमेनोफोर के साथ रिड्यूस होने पर 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही अच्छा। अब देखो केमेनोफोर के साथ रिड्यूस होने पर, देखो अब टोलुइन का अगर मैं रिड्यूस करूंगा केमेनोफोर के प्रेजेंस में, तो आपको मैंने बताया था यहां पर जब तक आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा तो तब तक आपका रिड्यूस आपका हो सकता है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड बना लेगा, ऐसा कुछ मैंने बताया है आपको पहले भी क्वेश्चन के सेगमेंट में मैंने आपको ऐसा बताया था। नाउ अब देखो बच्चों यहां पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया, देखो इसकी रिएक्शन और यहां पर CHO आपका क्या करेगा बच्चों, देखो यहां पर जैसे ही मैंने इसका टोलेन के साथ टेस्ट कराया, टोलेन रिएजेंट आपका क्या करेगा बच्चों, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ अब मैं इसका केमेनोफोर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,4-DiBenzoic एसिड में। क्वेश्चन सॉल्व काफी इजी था बच्चों, तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पे चलते बच्चों, अब हम नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। अब देखो 32 क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है 32 को डिस्कस कर लेते हैं, 32 क्वेश्चंस देख लेते हैं 32 क्वेश्चन। अब देखो 32 क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से रिएक्शन होगा, यहां पर ये आपका OH, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3, इसका H+ के साथ रिएक्शन बच्चों, ये तो आप जानते हो ये क्या है, पिनाकोल है। अब देखो यहां पर कार्बोकेटाइन क्या होगा बच्चों, हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि फोर मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो यहाँ अनस्टेबल होगा तो कहाँ जाएगा बच्चों, H+ आपका यहाँ अटैक करेगा, H+ जब आपका यहाँ अटैक करेगा तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर COH2+, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। नाउ ये आपका बाहर निकलेगा तो आप क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, सी सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां पर प्लस चार्ज। नाउ अब क्या होगा बच्चों इसमें, अब इसमें आपका यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट हम कैसे कराएंगे, रीअरेंजमेंट तो यहां पर हम कैसे भी करा सकते हैं। देखो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी, ठीक है, फाइव मेंबर की साइक्लिक रिंग बना लो इसमें। कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी बच्चों इसमें, फाइव मेंबर की साइक्लिक रिंग। तो फाइव मेंबर की मैंने साइक्लिक रिंग बना लिया, देखो यहां पर बड़े अच्छे से, यहां पर वन टू थ्री फोर, वन पर क्या है दो सी एच थ्री ग्रुप है, काफी इजी क्वेश्चन है। टू पर क्या होगा बच्चों, टू पर आपका क्या है ओ एच है, ठीक है, टू पर आपका क्या है ओ एच है। अब यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड इससे अटैच हुआ, तो ये प्लस था तो ये माइनस, यहां पर क्या जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा प्लस चार्ज। अब ध्यान से समझना बच्चों, और यहां पर फोर पर क्या है बच्चों, एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, फोर पर आपका एक ऐसा ग्रुप है। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से कंपाउंड आपका ड्रॉ हो जाएगा बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 32, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन था बच्चों जिसका गलत हो सकता है आंसर, यहां पर आपका 30 का क्या आएगा बच्चों आंसर, थर्ड आएगा। 30 का क्या आएगा बच्चों आंसर, नहीं 30 का फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उसका, 30 का आंसर गलत है तो उसमें फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये तो काफी इजी है, 33 में क्या है, ये बेंजीन के साथ आपका CH2Cl है, इसका रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे तो KCN के साथ क्या करेगा बच्चों, ये आपको रिप्लेस कर देगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, खत्म, यहां पर CH2 यहां पर CN, बहुत ही अच्छा। अब बेसिक मीडिया में इसको हीट करना है और रिएक्शन कराना है कि किसके साथ बच्चों, PHCO उसके साथ, ठीक है, काफी अच्छा है। अब देखो यहां पर बेसिक मीडिया ETO माइनस और हीट, अब बच्चों ये क्या करेगा, ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करने के सिवा इसके पास कोई और काम नहीं बचा है, तो ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन के ट्रैप करेगा तो यहां पर देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर CH2 के साथ NO2 जुड़ा हो या फिर आपका CN जुड़ा हो या फिर दो आपके, मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने का एक और तरीका बताया था बच्चों, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ अगर मैं रिएक्शन करा देता हूं तो आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट आपका यहां पर इस तरीके से, यहां पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, अगर यहां पर NO2 भी होता तो भी सेम रिएक्शन होता, ठीक है, तो यहां पर CN है तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू ये आपका रिएक्शन कट जाएगा। देखो यहां पर CH- यहां पर CN। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन कहां गया, ये 32, ये 33 क्वेश्चन है ना, हाँ 33। देखो नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन मुझे PHCOH के साथ कराना है, ये यहां अटैक करेगा ये यहां जाएगा, तो जहां अटैक करेगा उसको एक्स्ट्रा बना लो, अलग से बना लो, जहां अटैक करेगा उसको अलग से बना लो, देख लेते हैं। अब देखो यहां पर ये देखो pH ने अटैक किया यहां पर CH, CH से CN, अब यहां आपका C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका O हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों O हो जाएगा। अब यहां पर आपका क्या बनेगा pH, ठीक है, यहां पर अब आपका क्या बनेगा बच्चों pH। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही हम कराएंगे किसके साथ बच्चों, यहां पर इस पर इस तरीके से अटैक कराया, ठीक है, यहां पर आपका CN इस तरीके से, ठीक है, यहां पर नेक्स्ट। अब यहां पर इसका जैसे ही मैंने एसिडिक हाइड्रोजन में रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों PHCH, कुछ अलग तो नहीं है, देख लेते हैं, KCN ETOH के साथ हीट दे देने पर ETOH के साथ हीट देंगे तो यहां पर एलिमिनेशन, ना यहां पर OH नहीं बच्चों ऐसे ही होगा, यहां पर आपका CN डबल, यहां पर आपका OH आ जाएगा, यहां पर आपका CN आ जाएगा, यहां पर PH। अब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो PH C डबल बॉन्ड CN और यहां पर C PH, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। देख लो बच्चों कौन सा प्रोडक्ट आपका करेक्ट है, तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आपके इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कार्बन कभी आपके इंक्रीज हो सकते हैं बच्चों, नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा इसको संभाल लेना बच्चों अच्छे से,
या आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट में भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हीट किया, हीट यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, ट्रैप करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, पीएच आपका कितना है यहाँ पर, दो पीएच है, तो दो पीएच, तो यहाँ पर भी पीएच इस पर अटैक किया, तो यहाँ पर इस तरीके से। हाँ बच्चों ये आपका सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में 34 में चलते हैं। यहाँ पर 34 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 34 में इस तरीके से रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है, यहाँ पर OH के साथ, तो ये आपका H प्लस के प्रेजेंस में बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझना। बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपके दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से माइग्रेट कराएंगे या तो यहाँ से माइग्रेट कराएंगे। अब दोनों जगह से माइग्रेट करा देते हैं तो बच्चों 6 मेंबर की रिंग आपकी बनती है। कितने मेंबर की बनती है, 6 मेंबर की रिंग, एक तो ये बनेगा आपका, ठीक है, और एक आपका क्या बनेगा बच्चों, एक आपका इस तरीके से बनेगा NH, और ये आपका इस तरीके से बनेगा, दो मेंबर, दो आपके कंपाउंड बनेंगे। तो चेक कर लो बच्चों आपका कौन सा कंपाउंड इसमें दिया हुआ है, देखो सेकंड तो है ही नहीं, फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी आपका नहीं है, तो बचा कौन सा है, एक ही कंपाउंड दिया हुआ है ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो ये होगा, अगर एक दिया है तो ये आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, तो आपको यहां पर ही अगर ये वाला दिया होता तो ये आपका मेजर होता, क्योंकि माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के हिसाब से। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सॉरी यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाई किया हुआ है, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाई किया हुआ है। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाई किया गया है तो आपको एंटी पोजिशन से निकालना है, कौन से पोजिशन से निकालना है बच्चों, एंटी पोजिशन से, मैं इस चीज को भूल गया था, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाई किया गया है तो यहाँ पर एंटी पोजीशन से आपको निकालना है, ना कि यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर स्पेसिफाई किया गया हो तो एंटी पोजीशन से हमेशा आपको निकालना है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो आप दोनों साइड से प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, KCN के साथ H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, KCN के प्रेजेंस में ये आपका साइनोहाइड्रिन बना लेगा। ठीक है, KCN के प्रेजेंस में ये आपका साइनोहाइड्रिन बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अभी मैंने बताया था साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, साइनाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका एक ही दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फर्स्ट पहले ही दिख गया बच्चों आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन। नाउ इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा HNO2 के साथ तो ये आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डाई एजोनियम सोल्ट बना लेगा, यहाँ पर N2+Cl- और ये आपका बाहर निकलेगा, जब ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन पे अगर मैंने H2O का रिएक्शन कराया, तो ये आपका स्टेबल होने के लिए यहाँ जाएगा, जब ये आपका स्टेबल होने के लिए यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और एक कार्बन पे दो OH आपका अनस्टेबल होता है तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, कीटोन कंपाउंड, क्या बना लेगा यहाँ पर, कीटोन कंपाउंड। देखो यहाँ पर 1 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट होगा, और यहाँ पर आपका कीटोन कंपाउंड बना लेगा। काफी इजी क्वेश्चन था, एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है बच्चों, सॉल्व करके ही पता पड़ेगा वो आपका आइडिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 क्या है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C6O डज नॉट चेंज कलर ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक डाइक्रोमेट मतलब H2Cr2O7 के साथ कलर चेंज नहीं करता, कलर चेंज नहीं करता है। जब ये कलर चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन अगर आपका पॉसिबल नहीं है इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल आपका किस में दिया हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल बच्चों आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद भी देख लेते, कंपाउंड है ट्रीटमेंट विद H2SO4 प्रोड्यूस एल्किन, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा तो वो एल्किन ही प्रोड्यूस करेगा, ऐसा मैंने बताया रखा था आपको अल्कोहल में। ठीक है, नाउ
विच और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस गिव, ये आपका जो आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पहले मैं ना फोर्थ ऑप्शन को देख लेता हूं बच्चों, उसके बाद आप और भी ऑप्शन को देख लेना। आप देखो यहां पर ओजोनोलाइसिस कराता हूं इसका मतलब उसका मतलब कि क्या किया बच्चों मैंने, ए का यहां पर ए प्रोडक्ट था, ए प्रोडक्ट मतलब कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन का मैंने H2SO4 के साथ करा के ये बना लिया। अब इसका ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर ये H 1 2 3 4 CH3 और यहां पर ये देखो ये वाला फ्रेगमेंट है, इसका मतलब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड बीइंग हीटेड विद मेलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3COH, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने मेलोनिक एसिड आपका क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये आपका मेलोनिक एसिड होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, नाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, क्वेश्चन नंबर 37, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, पिरिडिन के प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, पिरिडिन आपका क्या है बच्चों, बेस, जो कि आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। और यहां पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन को जब आपका ट्रैप करके ले जाएगा, तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, COOH यहां पर आपका एसिड, यहां पर ये आपका यहां टेक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, मैं वो बना देता हूं, CCO-CH3, काफी इजी था। ठीक है, नाउ अब यहां पर CCOH, ठीक है, ऐसा बोल यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ अब की क्या करना है, यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, पिरिडिन, चलो ठीक है, यहां पर क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने H+ डाला तो यहां पर OH आ जाएगा। अब इसको मैं हीट करूंगा तो हीट करने पर आपका क्या जाएगा बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा हीट करने पर। अब ये अल्फा बीटा यहां पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड पोजिशन हो गया, तो हीट करने पर ये भी आपका डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी और हीटिंग करूंगा तो ये भी आपका डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया बच्चों, देखो हर ऑप्शन में एक एक COOH आपको दिया गया है, तो एक दिया गया है मिनिमम, एक तो दिया गया है, तो एक को आपको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेट। तो यहां पर अल्फा बीटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीटिंग में अल्फा बीटा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट भी आपका निकलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, और ध्यान से, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना बच्चों, CH3COH इसकी रिएक्शन HCN के साथ क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका साइनोहाइड्रिन बना लेगा OH, और यहां पर CN साइनोहाइड्रिन बना लिया इसका H3O+ के साथ, हाँ तो साइनोहाइड्रिन बन चुका है। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब क्या बोल रहा है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर इसको हीट किया तो हीट करने पर यहां पर अगर मैंने इसको हीट किया तो यहां पर डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा हीट करने पर, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CCOOH ये आपका आ गया। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, ये आपका H हीट कर दिया, हीट करने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल में, तो CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये काफी इजी था। नाउ इसका HIO4 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो HIO4 देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। ठीक है, जब आपका ये वाला बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट होगा तो यहां पर CH2OH और यहां पर OH, तो ये आपका इस तरफ जाएगा, यहां से ये आपका खुलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, HCOH बन जाएगा। अब ये वाला डिसोसिएट होगा तो यहां पर, अब देखो ये हो गया फ्रेगमेंट 1, ये हो गया फ्रेगमेंट 2 बच्चों, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्रेगमेंट 2 का अगर आपका डिसोसिएशन होगा तो यहां पर OH,
ये इस तरफ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर इनोल था, ये आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है। तो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर HCHO तो मैंने निकाल लिया, इसके अलावा ई प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हो सकता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों 39 क्वेश्चन पे। तो 39 क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ध्यान से देख लेते हैं अब 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर 39 क्वेश्चन में यहाँ पर ये इस तरीके से एल्डिहाइड दिया हुआ CHO, ये इस तरीके से आपका क्या दिया हुआ बच्चों, आपका CHO, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर इस तरीके से आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है CHO, सॉरी COCH3 मतलब कीटोन, बहुत अच्छा, यहाँ पर एल्डिहाइड। अब आपको क्या बताना है बच्चों, रिएक्टिविटी जनरली आप जानते हो कि कीटोन की सबसे कम होती है, जनरली आप जानते हो कि कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब सी पर आपका पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर सी पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो ये क्या है, ये आपका प्लस एम है और ये क्या है, प्लस एच। तो रिएक्टिविटी कौन आपका बढ़ा रहा होगा सबसे पहले, अब देखो यहां पर ये आपका, ये भी आपका डोनर है, ये भी आपका डोनर है, ये आपका अच्छा डोनर है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी, एडिशन रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो यहां पर भी डोनर है, यहां पर भी डोनर है, तो ये दोनों रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, फर्स्ट के बाद कौन आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा फोर्थ के बाद कौन आ जाएगा बच्चों, यहां पर सेकंड, और सेकंड के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, आपका थर्ड। तो इस तरीके से आपका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन सा आपका बच्चों यहां पर पॉजिटिव टोलन टेस्ट नहीं देगा। तो टोलन टेस्ट आपका कौन आपका दिया करता है बच्चों, मैंने अभी अभी बताया एल्डिहाइड दिया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड देगा आपका, ये सारे कंपाउंड आपके पॉजिटिव टोलन टेस्ट देंगे। तो यहां पर आपका एल्डिहाइड, लेकिन आपका एसिटल नहीं देगा, हेमी एसिटल दे सकता है, लेकिन आपका एसिटल नहीं देगा। तो यहां पर सिंपल मैं बात करूंगा, तो यहां पर आपको एच प्लस के साथ रिएक्शन को कराना भी नहीं है बच्चों। जब एच प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एसिटल हेमी एसिटल में कन्वर्ट होता है, लेकिन ध्यान से सुनना, जब हम एच प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हेमी एसिटल, वो एसिटल हमारा हेमी एसिटल में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां पर हमको एच प्लस के साथ रिएक्शन नहीं कराना है, एच प्लस के साथ रिएक्शन नहीं कराना है, पहले ही बोल दिया है। तो एच प्लस के साथ जब हमको रिएक्शन नहीं करा रहे, तो 40 क्वेश्चन में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देगा पहला ऑप्शन। सेकंड में देखो OH, अब देखो ये वाला पॉइंट आप चेक करो, देखो यहां से OCH3 देखो, यहां पर एक कार्बन के पास OR होना चाहिए, एक कार्बन के पास OH, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेमी एसिटल। देखो ये आपका OR, ये आपका OH, ये देगा यस, ये भी आपका टेस्ट देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ना बना के इसको मैं फिर मैं कैसे बना सकता हूं बच्चों, यहां पर ये आपका ऐसा होगा कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों, ये भी आपका हेमी एसिटल है। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर कि क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन होगा तो हेमी एसिटल होगा, अगर दोनों जगह आर होगा तो हेमी कीटल। देखो और भी देख सकते बच्चों, यहां पर सेकंड के बाद आपका थर्ड ऑप्शन कौन सा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन में भी आपका हेमी एसिटल है, थर्ड ऑप्शन में भी आपका क्या बच्चों, यहां पर हेमी एसिटल। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में भी आपका क्या बच्चों, यहां पर हेमी एसिटल। तो देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में भी आपका हेमी एसिटल है, आप लोग चेक कर सकते हो भैया अपने आप से। और फोर्थ ऑप्शन में आपका एसिटल है, और एसिटल नेवर गिव टेस्ट, कौन देगा, हेमी एसिटल। अब ध्यान से सुनना, पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों ने एसिटल का रिएक्शन मैंने एच प्लस के साथ करा के हेमी एसिटल में कन्वर्ट कर दिया था, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एसिटल आपका एच प्लस के साथ हेमी एसिटल में कन्वर्ट होगा वो आपका टेस्ट देगा ना, वो आपका टेस्ट देगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना,
यहाँ पर 29 क्वेश्चन में H2O ड्रॉप ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब जो आपका एसिटल है वो H+ के साथ रिएक्ट करके अगर हेमी एसिटल बना रहा है तो वो आपका पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट आपका दे सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको रिएक्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट में समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अब 41 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है बच्चों, काफी इजी है। 41 क्वेश्चन में आपका एक स्ट्रक्चर है जो Na मेटल के साथ H2 गैस निकालेगा। Na मेटल के साथ H2 गैस निकालेगा, इसका मतलब आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। 2-4 डीएनपी टेस्ट देगा, इसका मतलब आपका कार्बोनिल बॉन्ड आपका प्रेजेंस है। क्लियर है। नेक्स्ट O3 के साथ रिएक्शन कराने पर, O3 के साथ भी रिएक्शन कराएगा, इसका मतलब उसके अंदर एल्किन प्रेजेंस है, एल्किन प्रेजेंस है। अब तीनों की प्रॉपर्टी चेक कर लो। देखो बच्चों, पहले में भी ऐसा है, दूसरे में भी ऐसा है, तीसरे में। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, DOU चेक कर लेंगे। ठीक है, A का DOU निकाल लो, A का DO, यहां पर जो A कंपाउंड है उसका DOU निकाल लो, मतलब जो आपके रिएक्टेंट है। क्या दिया है, C6H8, C6H8 का DOU निकाल लो बच्चों, काफी इजी है। देखो कैसे निकालेंगे, काफी 6, 12, 12, 14, 14 - 8 / 2 = what, यहां पर 3, DOU कितना आ जाएगा 3। अब DOU कौन कौन से बच्चों, देखो पहले का DOU आपका 2 आ रहा है, फर्स्ट का DOU कितना है 2, एलिमिनेट खत्म। सेकंड का DOU आपका कितना आ रहा है बच्चों 2, सेकंड भी एलिमिनेट खत्म। थर्ड का DOU कितना आ रहा है बच्चों आपका 3, तो थर्ड आपका हो सकता है। फोर्थ का DOU कितना आ रहा है बच्चों 3, तो फोर्थ भी आपका हो सकता है। तो यहां पर थर्ड और फोर्थ आपका ऑप्शन हो सकता है। अब आपसे पूछा है कि H2 गैस दे देगा, तो H2 गैस आपका दोनों में रहेगा। ठीक है, ओजोनोलाइसिस कराने पर, यहां पर ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर आपका कंपाउंड कौन सा बनेगा, C6H8O8। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लेते हैं फोर्थ में और थर्ड में। तो फोर्थ थर्ड कंपाउंड को अगर मैं ओजोनोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, बच्चों ये तो फोर्थ कंपाउंड तो वैसे गलत है। फोर्थ कंपाउंड में तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 7 है, DOU 3 होने से क्या मतलब है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या होगा बच्चों, ये सबसे इजी चैप्टर है अगर आपको ध्यान रहे तो। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या होगा बच्चों, CH2COH, यहां पर आपका टोलेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, टोलेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर क्लोराल का रिएक्शन कराएंगे तो क्लोराल का रिएक्शन अगर मैंने CCl3 के साथ कराया, बच्चों समझ जाओ ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है, CCl3 के साथ OH- का रिएक्शन कराया, तो OH- आपका न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा तो एक निकालेगा, एक दे देगा, तो यहां पर एक्सिस अमाउंट में आपका होना चाहिए, एक्सिस अमाउंट में नहीं है। अब यहां पर CH3CO2H5, कल ही मैंने बताया बच्चों बेसिक मीडिया में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो आपका हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन देगा, कौन सा देगा, कार्बोक्सिलेट आयन, ना कि आपका एसिड देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 43 क्वेश्चन में एंगल स्ट्रेंथ देख लो बच्चों, 43 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इजिली है बच्चों, एंगल स्ट्रेंथ देख के आप लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। जिसका एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा वो आपका ज्यादा अनस्टेबल, जिसका एंगल स्ट्रेंथ कम वो आपका ज्यादा स्टेबल। ठीक है, और 44 क्वेश्चन में कोई आपका इतना नहीं है लॉजिक, यहां पर अगर आपने CHO के साथ रिएक्शन कराया और यहां पर NO2 के साथ, यहां पर SNCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका NH2 और यहां पर CHO वैसा का वैसा रहेगा। और अगर आपने NaBH4 के साथ कराया तो एल्डिहाइड का कर देगा बच्चों, NO2 का नहीं करता ना NaBH4, मैंने आपको बता रखा है,
तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका CH2OH और यहां पर आपका NO2, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चेक कर लो कौन सा होगा। अच्छा ये तो आपका पहले ही ऑप्शन दी थी, देखिए समझ में आ जा जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है अब हम चलते हैं बच्चों 45 क्वेश्चन पे। 45 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में क्या होगा बच्चों, ClCH2। बच्चों ये तो मैंने आपको करा रखा है, ठीक है अभी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी MCQ थे वो हमारे क्लियर हो चुके बच्चों। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से, देखो 46 में बच्चों यहाँ पर 6 आंसर आएगा। NaHCO3 एक तो आपका रिएक्ट करेगा एल्किन के, वहां पर आपका OH के रेजोनेंस वाले OH के एसिडिक हाइड्रोजन से, ठीक है Na मेटल भी आपका इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। फेलिंग टेस्ट में आपको मैंने लिखाया था बच्चों एक बार फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, AgNH3 होल ट्वाइस NO2 अगर है ना एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड के टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ये मैंने लिखा रखा है आपको हाइड्रोकार्बन में, चेक करना। हाँ Br2 और H2O भी बच्चों किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पर 2,4-DNP टेस्ट भी देगा क्योंकि कार्बोनिल बॉन्ड आपका प्रेजेंस है, और AgNO3 और OH ये आपका टेस्ट AgNO3OH बेसिक मीडिया में ये आपका टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। एक आपका यहां पर सॉरी ठीक है यहां पर आपका AgNO3 भी आपका टेस्ट देगा क्योंकि ये आपका क्या क्या है अमोनिकल कंडीशन में होगा, कौन से कंडीशन में होगा अमोनिकल, और ये आपका टोलन टेस्ट वाला ही हो जाएगा, सिल्वर मिरर बना लेगा यहां पर भी आपका सिल्वर मिरर। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये भी आपका रिएक्ट कर सकता है। नाउ आपका Cu2Cl2 नहीं करेगा बच्चों, एक आपका NaNO2 नहीं करेगा, NaNO2 आपका डाई एजोनियम सॉल्ट के लिए होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों यहां पर सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों कौन सा है, हाउ मेनी HiO4 बच्चों, सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है तो आप लोग कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। तो 47 का आंसर आएगा 5। अब हम चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। अरे बच्चों 48 क्वेश्चन पे क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट अल्कोहल आइसोमर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H2L। बच्चों DOU 0 है, DOU निकाल लेते हैं, हमेशा आप लोगों को क्या निकालना बच्चों, DOU निकाल लेना है। DOU कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 0 आ जाएगा। तो DOU अगर आपका 0 आ गया तो इस क्वेश्चन को सिंपल आपका ना तो रिंग होगा ना डबल बॉन्ड होगा, एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, ठीक है एक ये भी बना दिया। अब सारे के सारे आपको ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन देंगे, सारे के सारे आपको ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन देंगे, ठीक है। और आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट एल्कोहल आइसोमर भी पूछा है। अब देखो इसका तो कोई आपको यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका DL पेयर नहीं होगा, यहां पर आपका DL पेयर नहीं होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका DL पेयर होगा, यहां पर भी आपका DL पेयर होगा। टोटल आपके कितने कंपाउंड होंगे, यहां पर DL पेयर, यहां पर भी DL पेयर ड्यू टू द कायरोसेंट, टोटल कंपाउंड कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 डिफरेंट कंपाउंड हो जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 48। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहां पर इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ, काफी चलो ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। नाउ नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर इसको कर लेना, यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर अगर मैं यहां पर आपका NH2OH के साथ H+ के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपका अमाइड बनेगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है बच्चों ये आप लोग जानते हो। तो यहां पर NH2 एक अमाइड ऐसा बन जाएगा, एक अमाइड आपका ऐसा बन जाएगा, देखो NH2 यहां पर CONH2 एक अमाइड आपका ऐसा बन गया, ठीक है एक अमाइड आपका कैसा बन जाएगा, एक बार बैकमैन रीअरेंजमेंट आपका अंदर हो जाएगा क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ये आपका NH, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा NH COH। एक बार आपका क्या होगा, एक बार आपका बाहर हो जाएगा और एक बार आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर हो जाएगा, इस तरीके से आपका काफी इजी हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पर अब आपको फिर से निकाल सकते हो,
ये आपका कायरल सेंटर हो जाएगा, करेक्ट है, इसका डीएल पेयर आ जाएगा। यहां पर कायरल सेंटर नहीं होगा, यहां पर कायरल सेंटर नहीं होगा, टोटल कितने, चार। तो आंसर आपका, आई होप कि आपको आ गया होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लॉजिकली समझना बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, आई होप कि आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल ज्योमेट्रिकल तो नहीं पूछे, हाँ बच्चों छह, तो इसका छह आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। एक और बार अगर आप इस क्वेश्चन को, मैं एक और बार आपको लेता हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं एक और बार लेके दे देता हूँ बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो मैं एक एक बार ढंग से अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये NOH, ये आपका डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। देखो ये आपका सिन, ये आपका एंटी, और यहां पर आपका NOH। अब देखो सबसे पहले ये वाला और ये वाला आपका सिमिलर होगा, तो यहाँ पर दो हो जाएगा सिन और एंटी की वजह से, और यहाँ पर कायरल सेंटर होगा, तो कायरल सेंटर की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2N2 इक्वल टू 4 बन जाएगा। नाउ आप समझना बच्चों ध्यान से, ये आपका सिन होगा, ये आपका एंटी होगा, तो ये आपका GI शो करेगा, ये आपका एंटी होगा, ये आपका सिन होगा, तो ये आपका GI शो करेगा। तो आप लोग जानते हो बच्चों स्यूडो कायरल, स्यूडो यहाँ पर दो डिफर कर गए ना, तो आपका स्यूडो पॉइंट आप लोग जानते हो, जब आप स्यूडो पॉइंट जानते हो तो यहाँ पर भी दो, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, अब 4+2 टोटल कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 6। इस तरीके से आप लोग डील कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जहां पर भी आपका दो दो डिफर होगा, तो ये वाला भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने लग जाएगा ना बच्चों। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।